गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 2 सितंबर वर्ष 2021। आठवीं कक्षा में मैथ्स में हम लोग का 7वां चैप्टर विचरण चल रहा था। विचरण में प्रश्न संग्रह 7.3 मैं बता रहा था पिछले वीडियो में। इसमें फर्स्ट वाले जो सवाल हैं जिसमें 4 उपप्रश्न दिए गए हैं, ये रिड्यूस कर दिए गए हैं जो परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको दूसरा और तीसरा सवाल ये मैंने आपको करवाया था, तो एक सवाल अभी भी रह गया है, चौथा सवाल। इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा बेटा कि आपको कोई डाउट तो नहीं है इसमें, पहले जो भी किया है कुछ पूछना तो नहीं है उसमें? ओके, शीतल को कोई डाउट नहीं है, और किसी को अच्छे से समझ में आ रहा है ना बेटा? देखो ये भी, ये जो, हाँ बेटा, तो वीडियो मैंने भेजा ना बेटा, कल की रिकॉर्डिंग मैंने भेजा है ग्रुप में, वो वीडियो देखो, उसमें समझ जाओगे बेटा आप, ठीक है? वो वीडियो देखना बेटा, अगर उसमें आपको नहीं समझा होगा ना तो फिर मुझे वापस बोलना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है? चलो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.3 आठवीं कक्षा, 8, और इसमें हम लोग कर रहे हैं मैथ्स, 7वां चैप्टर विचरण, विचरण चल रहा है। आज तारीख है 2/9 वर्ष 2021। चौथा सवाल देख लेते हैं क्या है चौथे सवाल में। थोड़ा सा वीडियो, हाँ क्लियर हो गया, चलो। क्या है, किसी कार की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर उसे कुछ दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। यदि वही दूरी 7.5 घंटे में तय करना हो तो उस कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। हाँ, तो देखो क्या है यहाँ पर, एक तो ये गति है, गति, और फिर क्या है, दूरी तय करने में लगा समय। तो अब मुझे ये बताओ कि गति और समय, इसमें पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि इसमें संबंध कैसा होगा। मुझे ये बताइए कि हम लोग अगर तेज गति से जा रहे हैं तो पहुंचने में जो समय है वो कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? ये ऐसा, यदि हम लोग बहुत अधिक गति से जा रहे हैं तो पहुंचने का समय है वो कम हो जाएगा, और अगर धीमी गति से जा रहे हैं तो जहाँ पहुँचना है वहाँ समय पहुँचने में ज़्यादा लगेगा। तो गति धीमी करते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, गति तेज करते हैं तो समय कम लगता है, यानी एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि कम हो जाती है, और यदि एक पहली राशि कम करते हैं तो दूसरी राशि बढ़ जाती है। तो कैसा संबंध हो गया, ये प्रत्यक्ष कैसे हुआ बेटा? प्रतिलोम हो गया ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो प्रतिलोम विचरण हो गया। इसमें एक को एक्स मानना पड़ेगा, गति को एक्स मान लेंगे और दूरी तय करने में जो समय है उसको वाई मान लेंगे। पहला स्टेप तो यही है। तो चौथा सवाल क्या मान लेंगे, माना गति बराबर एक्स तथा दूरी तय करने में लगा समय y। अब जैसा कि आपने देखा गति और समय में प्रतिलोम विचरण होता है, इसलिए x और y में प्रतिलोम विचरण होगा। तो x विचरण का चिन्ह और y प्रतिलोम विचरण है, तो 1/y लिखेंगे। इसके बाद में क्या आ जाएगा, x बराबर, ये बराबर लिखा तो यहाँ k हो जाएगा, k/y। फिर आगे क्या दिया, देखो जब गति 60 है, गति कितनी है 60, यानी कि x 60 है, गति यानी कि x 60 है, तब समय कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं दूरी तय करने में समय। ब्लर,
अब क्लियर है? शीतल, अब क्लियर है? तो गति जब 60 होती है तो दूरी तय करने में लगा समय यानी कि वाई वो कितना है, 8 घंटे लगते हैं ना। गति जब 60 होती है तो वाई यानी समय 8 घंटे लगते हैं। तो अब ये एक्स और वाई का मान यहाँ डाल देंगे तो के मिल जाएगा, इसको समीकरण एक बोलते हैं। एक्स कितना है, 60 है, के हमको मालूम नहीं है, वाई कितना है, 8 है। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर 60 गुणे 8, तो के 8 जीरो जा जीरो, 8 छंग 48, 480 हो जाएगा। के का मान 480 हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, यदि वही दूरी 7.5 घंटे में तय करना हो, दूरी 7.5 घंटे में तय करना है मतलब समय, समय यानी कि वाई, समय यानी कि वाई, अब क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा क्लियर, अब कुछ दिख रहा है ना, मैं रिकॉर्ड करते जाता हूँ, बाद में वीडियो तो भेजूंगा ही। समय क्या बोल रहा है, समय अगर 7.5 घंटा लग रहा है तो वेग, तो गति कितनी होगी, गति यानी एक्स हमें ज्ञात करना है। तो देखो के हमें पता है, वाई पता है, एक्स ज्ञात करना है, तो फिर से वही सूत्र लगाएंगे कि पहला समीकरण फिर से लिखना पड़ेगा, एक्स बराबर के बटे वाई। अभी एक्स, एक्स कितना, एक्स ज्ञात करना है तो एक्स वैसे ही लिखेंगे, के हमने 480 निकाला है तो के जगह पे 480 आ जाएगा, और वाई कितना है, वाई 7.5 है तो ये वाई 7.5 आ गया। अब देखो ये 480 दशमलव अगर हटाना है तो ऊपर एक जीरो लगा दो, नीचे दशमलव हट जाएगा, समझे कि नहीं है, मतलब एक तरह से 10 से दोनों तरफ दोनों ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, तो 10 से ऊपर गुणा करेंगे 48, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 75 दहम में 150 सॉरी 750 होगा और एक अंक के पीछे दशमलव लगाएंगे तो 75.0 होगा यानी 75 हो गया ये। अब इसको भाग देंगे, 480 है यहाँ, देखो 48 छोटा है 75 से, तो 480 लेना पड़ेगा, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 480 में 75 से भाग दो कितनी बार जाएगा, छः, अगर 75 छंग कितना होता है, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 75 छंग, देखो 75 छंग 480 और 75 जीरो जा जीरो तो एक्स आ जाएगा 60। इसका मतलब 7.5 घंटे में पहुंचने के लिए गति कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, इसलिए 7.5 घंटे में, 7.5 घंटे में दूरी तय करने में 7.5 घंटे में दूरी तय करने में, हाँ 7.5 घंटे में दूरी तय करने में के लिए, दूरी तय करने के लिए गति कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होनी चाहिए,
की गति होनी चाहिए। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर जो है ये सातवां चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो आठवां चैप्टर मैं सोच रहा हूँ कल से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आठवां चैप्टर क्या है, रचना है। इसमें आपको गोला प्रकार, पेंसिल, ये सारी चीज़ें भी लगेंगी। हाँ, बुक चेक करने के लिए आप लोग 11:30 बजे आया करो। 11:30 बजे आपका लेक्चर ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद मैं फ्री हो जाता हूँ उसके बाद, तो तब आप लोग आ सकते हो बुक चेक करने। तो यहाँ पर देखो 7.3 अपना समाप्त हो गया। इसके चलिए शुरू कर देते हैं, आठवां चैप्टर चालू करता हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो चतुर्भुज, आठवां चैप्टर क्या है, चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुज के प्रकार। आठवां चैप्टर है चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुज के प्रकार। थोड़ा सा ब्लर हो गया है वीडियो, वापस से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। क्लियर दिख रहा है आपको? अच्छा, बुक है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बेसिक जानकारी दी है कि दिए गए मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना करना। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी है, जहाँ एबी की लंबाई 5 है, बीसी की लंबाई 5.5 है, एसी की लंबाई 6 एमई है। ये पहले आप कर चुके हुए हैं, तो ये आप लोग कर सकते हो या बताऊँ मैं पहले? रिवीजन है ये। बोलो बेटा आता है कि नहीं? नहीं आता तो भी बोलो, तो मैं बताऊँ कैसे करना है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो करना कैसे है, अभी गोला प्रकार नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। कभी भी रचना करने को बोला ना, तो पहले कच्ची आकृति बनाया करो। जैसे क्या बनाना है, त्रिभुज एबीसी बनाना है, तो एबीसी ऐसे कच्ची आकृति पहले बना लो। कच्ची आकृति मतलब बिना माप के हमको बनानी होती। इसमें क्या दिया, एबी की लंबाई 5 है, एबी की लंबाई है 5, सब सेमी में ही है, और बीसी 5.5 सेमी है, बीसी 5.5 सेमी है, और एसी कितना है, 6 सेमी है। ए से सी कितना है, 6 सेमी है। ये कच्ची आकृति बन गई, ये हमारी क्या है, कच्ची आकृति है। ये आठवीं का पोर्शन नहीं है बेटा, ये आपका पिछली क्लास का पोर्शन है, लेकिन आठवीं का समझने के लिए आपको पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा रिवाइज किया गया है स्टार्टिंग में। हाँ, तो कर पाओगे आप लोग? तो आप लोग जरा कर, अगर अभी करोगे तो मैं देखूं आपका। हाँ करो, इसमें मोबाइल किसी और को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि गोला प्रकार वगैरह भी लगेगा। ठीक है, ऐसे बताओ कैसे करोगे। और भी जिसको आता है वो लोग करिए बेटा,
जैसे रेनू कर रही है आप लोग भी इसको जरा करिए, क्योंकि ये सब बेसिक है जो आपको अभी जो सवाल आएंगे उसमें लगेगा, ये सब जानकारी काम आएगी। थोड़ा बुक ऊपर करो बेटा, आप जो कर रही हो दिख नहीं रहा है। कैमरे के पास लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बुक में सिर्फ बुक को ऊपर सरकाने के लिए कह रहा हूँ। हाँ ऐसे ऐसे, यस। तो समझाओगे कैसे करेंगे इसको? बेटा आप दूसरा कर रहे हो क्या? पहला करने के लिए कहा था मैंने। हाँ पहला, पहले पहला तो करो फिर दूसरा करेंगे ना। हाँ आप जरा समझाओ कैसे करना, कि कैसे करोगी इसको? गोला प्रकार की सहायता से करना हो तो कैसे करोगी? चाप वगैरह बना के करना हो तो कैसे करेंगे इसको? हाँ 20 से 5 सेंटीमीटर का चाप है ना, सी से, उसके बाद हाँ ठीक है बेटा, ठीक है सही जा रही हो आप। चलो अब मैं समझाऊँ, मैं समझाता हूँ आप लोग को कैसे करना है। ये पहला आपको ये दिया है, तो सबसे पहले क्या करना है देखो, मैं साइड में बताता हूँ। सबसे पहले स्केल लेना है आप, और स्केल की सहायता से 5.5 ये माप कितना दिया है, 5.5 दिया है, तो 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींच लो। BC खींचना है 5.5 सेंटीमीटर, सबसे पहले ये काम करेंगे। समझे कि नहीं है? अब देखो, अब हमको, हमारे पास दो पॉइंट मिल गया है, बी और सी मिल चुका है, हमको पॉइंट ए ढूंढना है। कौन सा पॉइंट ढूंढना है? ए। कैसे पॉइंट ए मिलेगा? ये जो पॉइंट ए है बी से 5 सेंटीमीटर दूर है, बी से ए कितना दूर है? 5। तो गोला प्रकार में, गोला प्रकार लेना है उसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी लो, गोला प्रकार में 5। क्यों 5? क्योंकि ये 5 है ना, बी से ए 5 है, इसलिए गोला प्रकार में 5 लो, और बी पे रख करके ऐसे एक चाप खींच दो। गोला प्रकार लेना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, बी पे रख के चाप खींचना है। समझा कि नहीं? ये स्टेप ऐसे ही देखो, सी ए, ए, ए जो सी से ए की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो गोला प्रकार लेना है, उसमें 6 सेंटीमीटर लेना है, गोला प्रकार की नोक और पेंसिल के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर लेनी है, और सी पे रखना है, क्योंकि सी से ए 6 है, सी पे रखना है,
सी पे रख करके, सी मतलब ये वाला पॉइंट, ये सी नहीं, ये सी जो पॉइंट सी है उस पॉइंट पे गोला प्रकार रख के फिर आपको चाप खींचना है। तो ये दोनों चाप जहाँ कट करेंगे वो पॉइंट ए रहेगा। तो इसके बाद आपको ए बी और उसके बाद ए सी को आपको मिला देना है। समझे कैसे रचना करनी है? ए होने के बाद माप लिख देना, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। आप लोग करोगे खुद से इसको घर पे बाद में? जवाब तो दो। ऐसे दूसरा उदाहरण क्या दिया है? दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है। त्रिभुज डी ई एफ में डी 35 है, एफ 100 है, डी एफ 4.8 है। तो उसकी रफ डायग्राम बना लेता हूं मैं। डी ई एफ, इसमें कोण डी 35 डिग्री है। कोण डी कितना है? 35 डिग्री। उसके बाद कोण एफ कितना है? 100 है। तो कोण एफ का माप 100 डिग्री और उसके बाद डी एफ 4.8 है। तो डी एफ कितना हो जाएगा? 4.8। अब इसकी पक्की आकृति कैसे बनेगी? सबसे पहले तो डी एफ जैसा, हाँ उसके बाद यहाँ 100 डिग्री भी आएगा। फिर दोनों जहाँ कट करेंगे वो पॉइंट ए मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल से 4.8 सेंटीमीटर की रेखा खंड खींच देंगे। इसका नाम क्या दे देंगे? डी एफ दे देंगे। एक कच्ची आकृति की मदद से बहुत सहायता मिलती है पक्की आकृति बनाने में। तो डी एफ खींच देंगे 4.8। फिर देखो बिंदु डी पर 35 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो डी पर चांदा रखेंगे और 35 डिग्री पे निशान लगाएंगे। चांदा की सहायता से 35 डिग्री पे निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। तो 35 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब आपको ये थोड़ा लंबा खींचना है बेटा, इसको लंबा खींचते हैं थोड़ा। अब चांदा को F पे रखना है और 100 डिग्री का कोण बनाना है। तो 100 डिग्री 90 से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो F से 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे वो अपना थर्ड पॉइंट E रहेगा। क्या पचास डिग्री आया तो 50 डिग्री का बनाना, थोड़ा छोटा कोण बन जाएगा ये, और ये लाइन और आगे मिल जाएगी, तो यहाँ मिल जाएगा पॉइंट ई। 100 डिग्री 90 से बड़ा होता है ना, ऐसे होता ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। फिर 100 डिग्री थोड़ा सा ज़्यादा होता है 100। तो इस तरह से दूसरा करना है। तीसरा क्या दिया है? तीसरा त्रिभुज डी ई एफ, सॉरी एम एन पी है, जिसमें एम पी का माप दिया है, एन पी का माप दिया है, कोण पी दिया है। तो कच्ची आकृति बना ले रहा हूँ मैं। एम एन पी, एम पी कितना है? एम पी 6.2 सेमी है और लेंथ एन पी, एन पी कितना है? 4.5 सेमी है और कोण P कितना है? 75 डिग्री है। तो कोण P कितना है? 75 डिग्री है। आप इसे कैसे करेंगे? हाँ बताओ बेटा, सबसे पहले क्या? स्केल से 4.5 खींच दिया, यस।
यस, पी पे चांदा रखना है, पी पे 75 रन है, तो पी पे चांदा रख के 75 रन का कोण बन जाएगा। वेरी गुड। देखो ये जो पॉइंट एम है ये इसी लाइन पर हमको ढूंढना है, इसी लाइन पर देखो 6.2 सेंटीमीटर की दूरी पर एम है, तो गोला प्रकार में 6.2 की दूरी लेंगे, पी पे रखेंगे और इसको ऐसे काट देंगे, जहां पर कट करेगा वो पॉइंट एम मिलेगा और एम को एन से मिला देंगे। तो हाँ बेटा टाइम हो गया, तो मैं आपका होमवर्क ये है कि ये तीन सवाल आप लोग अपने बुक में करना गोला प्रकार की सहायता से। ये तीन रचनाएं जिसका मैंने कच्ची आकृति बन और कैसे फेयर बनाना है ये मैंने आपको बताया है, तो ये आप लोग नोटबुक में करना। कितने लोग लेक्चर अटेंड किए हैं, लेक्चर कितने लोग अटेंड किए हैं? सिर्फ 4 लोग। अच्छा ठीक है, 8वीं वालों का इतना कम कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।